दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी पुरानी चुन्नी को किस तरह रीड करें। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए मेरी पुरानी चुन्नी है और आज मैं आपको बताऊंगी इसको आप रीयूज करके कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैं इसमें से कुर्ती बना रही हूँ, तो देखिए हमारी चुन्नी जो है कुछ इस तरह से है। तो देखिए ये सेंटर पार्ट में हमारा ये पूरा डिजाइन है और नीचे ये जो बड़े बड़े फ्लावर्स हैं तो ये दोनों साइड में आ रहे हैं। तो जो डिजाइन है हमारी ये वाली हम नीचे ले लेंगे और जो ये सेंटर वाला पार्ट है ये हमारा सेंटर में आ जाएगा ऊपर की तरफ। और ये साइड है इसको आप किसी स्लिम में या किसी भी दूसरे में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे क्योंकि ये डबल फोल्ड ऑलरेडी है। अभी इसको फोर फोल्डिंग कर रहे हैं आगे पीछे दोनों पीस के लिए। तो देखिए मैंने इसको फोर फोल्डिंग कर लिया है, हमारे आगे पीछे दोनों पीस एक साथ कट हो जाएंगे। और अभी हम इसकी लंबाई देखते हैं कितना है। तो देखिए इसकी लंबाई 44 इंच आ रहा है जो इसका फुल लेंथ आ रहा है। तो हम इसमें 42 में तैयार कर सकते हैं क्योंकि हमारे वन स्टिचिंग वन इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में चाहिए और हाफ इंच ऊपर चाहिए, तो 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग चला जाएगा। तो आपका ये 42 में तैयार हो जाएगा। अभी हम लेते हैं शोल्डर। तो मैं इसको बोट नेक में बना रही हूँ, तो शोल्डर पूरा ले रही हूँ, 14 इंच है तो 14.7 ले रही हूँ डबल फोल्ड में। मुड्डे 7 इंच और ये मैं 38 साइज का बना रही हूँ। तो देखिए जब हम तैयार करेंगे तो ये 9.5 इंच आएगा और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो ये मैंने तैयार के हिसाब से लिया और 2 इंच यहाँ पे और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका जो हिप साइज का कट है वो रखते हैं। तो जैसे मेरा कट है 13 इंच पे मैं मार्किंग कर लिया है। अभी शोल्डर से लेंगे हम कमर का साइज, तो कमर हमारा शोल्डर से 14 इंच पे, तो 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो कमर हमारा 32 है तो तैयार में 8 इंच आएगा। और जैसे मैंने बताया कि हम सभी में 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे तो यहाँ पर भी 10 इंच ले लेते हैं। हिप साइज हमारा 40, तो जब तैयार रखेंगे तो ये 10 इंच आएगा और सेम हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चल रहे हैं। तो टोटली हमारा ये मार्जिन हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये हमारा करेक्ट साइज है और ये हमारा मार्जिन है। अभी यहाँ पे भी इसी तरह से मार्किंग कर लेते हैं क्योंकि मैं स्ट्रेट बना रही हूँ तो स्ट्रेट ही लाइन खींचेंगे हम। आप इसको ए लाइन में बना सकते हैं क्योंकि हमारा कपड़ा काफ़ी है इसमें। ये हमने जो 2 इंच लिया है ये तुरपाई के हिसाब से लिया है, जैसे आप तुरपाई करते हैं। अगर आप इसको फोल्ड करते हैं तो आप इसे यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। अभी मुड्डे की गुलाई 1.5 इंच, हाफ इंच शोल्डर पे क्रॉस में लेंगे क्योंकि ये हाई नेक में ही आपको क्रॉस में कट करना है। अगर आपका लो नेक है तो यहाँ पर क्रॉस में कटिंग नहीं करना है, नहीं तो शोल्डर गिरते हैं फिर। अभी हम सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर लेते हैं और बाद में नेक ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हमने कटिंग कर दिया है। अभी जो हमारा ये पॉइंट और इस पॉइंट पे एक कट मार देते हैं जिससे जब आप फिटिंग देंगे तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी और सही तरीके से हो जाएगी। अभी हम नेक ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैंने बताया जैसे बोट नेक है तो शोल्डर से 4 इंच ले रही हूँ और लेंथ भी 4 इंच लिया है, तैयार में 3.5 इंच आएगा और 1.5 इंच की हम इसमें गुलाई कर देंगे। अभी ये बोट नेक है इसीलिए हम दोनों नेकों को एक साथ कट कर सकते हैं। तो देखिए नेक कट कर दिया है, अभी हम इसको हटा देंगे। आगे पीछे के दोनों पीस अलग करेंगे क्योंकि पीछे में डॉट डालनी है और आगे के में एक्स्ट्रा कटिंग देनी है। तो देखिए मैंने अलग कर लिया, ये फ्रंट पार्ट है। अभी यहाँ पे जो हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग देनी है उसका मार्किंग कर देते हैं। इससे क्या है यहाँ पे जो झोल, जैसे ही आप लोग झोल बोलते हैं कभी यहाँ पे प्लेट जैसा पड़ जाता है, तो एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। तो जो भी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है जो हमारा तैयार साइज है यहाँ तक ही करें। तो ये यहाँ पे मैं सेम कट कर दूंगी और मैं सेंटर में थोड़ा सा नीचे कट दे रही हूँ। तो देखिए 1.5 इंच का कट दे रही हूँ, सिर्फ स्ट्रेट कट रहेगा।
तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। अब यहाँ पे हम डॉट डालते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेंथ ले लें। देखिए तो जो हम 10 इंच से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेंटर से 4 इंच ले लें और टेप को इस तरह से हम रखेंगे बराबर से, और 10 इंच से लेके आप 17 या 18 इंच तक डाल सकते हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 20 इंच तक भी डाल सकते हैं। मैंने 18 तक डाला है और इसकी जो शेप आएगी देखिए कुछ इस तरह से आएगी। इससे आपकी फिटिंग परफेक्ट आती है। देखिए इस तरह से सेम मैं दूसरी साइड में भी डाल देती हूँ। अभी जो ये ड्राफ्ट निकले, ये ड्राफ्ट को रख के कैनवास और नेक पट्टी कट कर लेते हैं। तो देखिए जो कपड़ा बचा है हमारा, मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है, यहाँ पे क्लोज रहेगा। और हम ये फ्रंट का बताते हैं। और जो कुर्ती का हमारा ड्राफ्ट है, इसको हम इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने जैसे 1.5 इंच इसमें कट दिया है, तो उसी हिसाब से हमकी इसकी लेंथ लेनी है। सेम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। और 1.5 इंच यहाँ पे हम कट दे देंगे। और अभी इस ड्राफ्ट को हटा देते हैं। अभी जिसकी चौड़ाई ले रहे हैं 1 इंच ले रहे हैं। तो देखिए मैंने ये ड्राफ्ट रख के ये कट कर लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ले लिया है। और यहाँ पे भी कट दे दूँ, मैंने सेम ड्राफ्ट रख के देखिए कैनवास भी कट कर लिया है। जैसे ये कैनवास के टुकड़े थे मैंने वो यूज कर लिए हैं, तो आप इस तरह के कैनवास के टुकड़े यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको तैयार कर लेंगे, और इसी तरह मैं बैक पार्ट भी तैयार कर लूँगी। और अभी मुड्ढे में जैसे हमको फिनिशिंग देनी है, क्योंकि मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, तो जो ये पट्टी बची है हमारी, इनको क्रॉस में कट करके तैयार कर सकते हैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेके। देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे और यहाँ पे क्रॉस में रख के इनको स्टिच कर लेंगे, जैसे क्या है साइज के अनुसार पूरी पट्टी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये पूरा कट कर लिया है, और इसका पूरा सिलाई मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि इस ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो आप इस आसान तरीके से पुरानी चुन्नी को रीयूज करके कुर्ती बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।